ब्रेस्ट मिल्क माँ के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और माँ के लिए एक बहुत ही आशीर्वाद है अगर वो अपने बेबी को दूध पिला पा रही है, अपना ब्रेस्ट मिल्क दे पा रही है। पर डिलीवरी होने के बाद कुछ महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है फीडिंग में, उनका प्रॉपर दूध नहीं आ रहा होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपना स्तनपान आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपका बेबी बाहर के दूध पे डिपेंडेंट ना रहे और आपका दूध का फ्लो बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों डिलीवरी होने के बाद करीब 2 से 3 दिन तक हमारा प्रॉपर फीड नहीं आ रहा होता है। हॉस्पिटल में हमें बताया जाता है कि कैसे हमें बेबी को फीड कराना है, तो ये करीब 2 से 3 दिन टाइम लगता है प्रॉपर फीड आने में। लेकिन इसी में होता ये है कि जब 2 से 3 दिन प्रॉपर फीड नहीं होता है, हम बेबी को बाहर का दूध देते हैं, फॉर्मूला देते हैं या फिर जो भी आप दूध अपने बेबी को देते हो, तो इसमें होता ये है कि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चलो अगर हमारा दूध अच्छे से नहीं आ रहा है तो कम से कम बेबी बाहर का दूध तो पी रहा है, उससे तो उसका हेल्थ बन रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। आपको कोशिश करते रहना होगा कि आप अपने बेबी को दूध पिलाएं, आप अपने ब्रेस्ट से उसे सटाएं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी डिलीवरी हो गई तो भले ही आपका दूध ना आ रहा हो, लेकिन आप अपने बेबी को हर एक फीड से पहले अपने चेस्ट से उसे सटाएं, अपना निप्पल उसे दें ताकि वो सक करे। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका बेबी सक करना सीख जाएगा, उसे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका फीड आने लगेगा तब आप अचानक से दोगे तो बेबी को सक करने में प्रॉब्लम होगा और वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला के दूध पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट डे से ही जब भी आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं, जो भी आपका बेबी दूध पी रहा है, उससे पहले आपको अपना फीड देना है, अपना निप्पल उसे टच करवाना है। इससे बेबी सक करना सीखेगा। दूसरा ये होगा कि जब आपके ब्रेस्ट को बेबी सक करेगा तो एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि बेबी को दूध की रिक्वायरमेंट है। तो इससे दूध का और रिलीज होता है, दूध का प्रोडक्शन होता है अंदर, और इसकी वजह से और भी दूध इंक्रीज होता है। तो ये पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भले ही आपका दूध अच्छे से आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको अपने बेबी को दूध सक कराना है और प्रॉपर सक कराना है। सिर्फ निप्पल नहीं टच करवाना है, निप्पल के साथ साथ निप्पल के आसपास वाले जो ब्लैक एरिया है आपको वो भी सक कराना है। बेबी का पूरा मुंह आपके निप्पल के आसपास वाले एरिया में होना चाहिए। आप इस इमेज में देख सकते हो निप्पल नहीं सक करना है। अगर बेबी आपका निप्पल ही सिर्फ सक करेगा तो आपके निप्पल में क्रैक आ सकता है। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर सक कराएं। दोस्तों इन सारे तरीकों को आजमाने के बाद भी अगर आपका अच्छे से दूध का फ्लो नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने ब्रेस्ट का मसाज कर सकते हैं। ऐसा पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद बॉडी को मसाज दिया जाता है, जो मदर होती है उनका मसाज किया जाता है, पूरे बॉडी का मसाज होता है। तो जब ब्रेस्ट का मसाज होता था तो उसके वजह से भी दूध का फ्लो बढ़ता था। तो आप क्या करो कि आप ब्रेस्ट का मसाज कर सकते हैं, या फिर जब भी आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं, हर एक 2 घंटे में जब भी आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं तो उससे पहले अपने ब्रेस्ट का एक बार मसाज कर ले। सर्कुलर मोशन में 2 से 3 बार आप मसाज कर ले। और मसाज करने के बाद भी अगर आपका दूध अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप ब्रेस्ट पंप का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक भी आता है और हैंड ब्रेस्ट पंप भी आता है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप थोड़ा कॉस्टली आता है तो आप इसके बजाय हैंड वाला भी यूज कर सकते हो। वो ब्रेस्ट पंप क्या करता है कि आपके ब्रेस्ट के ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है। वो एक तरह से मसाज की तरह है, वो बार बार सक करेगा। इससे होगा ये, इससे 2 फायदे हैं। एक तो ये होगा कि अगर आपका दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, आप उससे स्टिमुलेट करोगे तो आपके ब्रेस्ट को एक मैसेज जाएगा कि हमें दूध की जरूरत है, वो दूध का फ्लो बढ़ेगा। दूसरा ये कि अगर आपका दूध ज्यादा हो रहा है और बेबी सो गया, वो पूरा फीड नहीं ले रहा है, तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को उसमें स्टोर कर सकते हो। उनके भी बहुत से फायदे होते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आप एक बार में एक ही ब्रेस्ट से अपने बेबी को दूध पिलाएं। आप 2 से 3 घंटे में जब भी दूध पिलाते हो तो एक बार में एक ही ब्रेस्ट से पिलाएं। उससे हो कि जब हम बेबी को फीड कराते हैं तो जो हमारा पहला दूध आता है वो पतला आता है, उसके बाद गाढ़ा दूध आता है। तो अगर आप आधा पिला करके दूसरे में स्विच कर जाओगे तो बेबी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार में एक ही से पिलाएं, क्योंकि पहला पतला आता है, फिर उसके बाद मोटा दूध आता है, गाढ़ा दूध आता है। इससे बच्चे हेल्दी बनते हैं और गोलू मोलू बनते हैं। और दोस्तों इससे एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आपने बीच में या दूसरी ब्रेस्ट में स्विच कर गए तो जो आपने दूध जमा हुआ है वो लंबे टाइम तक अगर जमा रह जाएगा तो उसमें गांठ बन सकती है, जिससे आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एक बार में एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाएं। अब बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हम क्या क्या खान पान ले सकते हैं
डिलीवरी के बाद, जिससे कि हमारा लैक्टेशन इंक्रीज हो, हमारा ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज हो। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप मेथी दाना यूज करें। मेथी दाना आप पानी में बॉईल करके खा सकते हैं, सब्जियां में डाल करके खा सकते हैं, किसी में किसी दाल में या फिर किसी भी चीज में, चटनी में आप तड़का लगा के खा सकते हो। मेथी दाना आपको डेली लेना है, उसका पानी पीना है। इसके साथ ही आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, सौंफ से भी दूध का इंक्रीज होता है। सौंफ को अच्छे से पानी में उबाल लें। डिलीवरी के बाद जो भी मैंने चीजें फॉलो की थी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज कराने के लिए, वो सब कुछ मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेथी दाना का यूज करें, सौंफ का यूज करें, इसके साथ ही आप जीरा का पानी पी सकते हो। इसके साथ ही अजवाइन, अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अजवाइन से भी दूध का इंक्रीज होता है। साथ ही अगर आपको इनडाइजेशन हो रहा है, आपका अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपके पेट को क्लीन करने में अजवाइन हेल्प करता है। अजवाइन का पानी पीने से या फिर अजवाइन ऐसे ही नमक के साथ खाने से आपको भी गैस नहीं बनेगा, साथ ही बेबी को भी गैस नहीं बनेगा, तो अजवाइन भी आपको लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने बता दी। इसके अलावा आप सेपू ले सकते हो, बहुत से लोग खसखस का यूज करते हैं आपके एरिया में। आपके बुजुर्ग आपको जो बता रहे हैं आप वो चीजें फॉलो करो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज कराने के लिए। इसके अलावा गोंद के लड्डू होते हैं, बहुत सी चीजें आती है जो भी आपके घर में आपको बताया जा रहा हो, आपकी दादी नानी या फिर बुजुर्ग लोग जो भी बता रहे हैं आप उसे जरूर फॉलो करें। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ कि आप खाना क्या खा सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स जरूर लें, ड्राई फ्रूट से दूध का इंक्रीज होता है। साथ में दूध, दूध लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध आप दिन भर में 2 से 3 ग्लास पिए, अगर आप दूध पियोगे तभी आपका दूध भी इंक्रीज होगा। दूध में कैल्शियम, मिनरल्स और बहुत सी फायदे वाली चीजें होती हैं। अगर आप दूध नहीं ले पा रहे तो आप पनीर लें, दही लें, छाछ लें, जो भी आपको लेना है आप लें। दूध आप जरूर से जरूर अपनी डिलीवरी के बाद पिए ताकि आपका भी दूध का फ्लो बढ़े। इसके अलावा आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां, फल ये सब खाएं। साथ ही अनाज का सेवन करें ताकि इससे आप भी स्ट्रांग रहें। आप स्ट्रांग रहेंगी तब भी आप में दूध का प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। इसीलिए खान पान अच्छे से खाएं, घर में जो भी खाना मिल रहा है उसे अच्छे से खाएं। बाकी ये सारी चीजें आप ले सकती हैं। लेकिन अगर ये सभी खाने के बावजूद भी अगर आपका दूध का इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। डॉक्टर एक शतावरी देते हैं, आप वो खा सकते हो। शतावरी का लैक्टेशन पाउडर आता है, आप वो खा सकते हो। बहुत सी महिलाओं को डिलीवरी के बाद ये एक पाउडर दिया जाता है, लैक्टेशन पाउडर होता है। आप इसे दूध में डाल करके 1 या 2 चम्मच डालना होता है और आप दूध में मिला करके इसे खा सकते हो, इससे दूध का इंक्रीज होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए बेबी को फीड कराते टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिलीवरी के बाद होता ये है कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन हुआ हो, दोनों में हमें बैठने में प्रॉब्लम होती है। वेजाइनल डिलीवरी में वेजाइना के पास स्टिचेस की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो सिजेरियन में पेट के नीचे कटिंग के वजह से प्रॉब्लम होती है, तो मदर को बैठने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें तो बैठ के ही फीड कराना होता है क्योंकि न्यूबॉर्न इतने समझ नहीं होती कि वो सो करके दूध ले लें। तो आप क्या करें कि आप स्ट्रेट बैठें, आसपास पिलो का सपोर्ट ले, तकिए का आप सपोर्ट ले सकती हैं, बेबी को तकिए के ऊपर सुलाएं और बेबी का पोजीशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका सिर ऊपर की तरफ होना चाहिए, हल्का सा अपलिफ्ट पोजीशन में, और बेबी को आप ऊपर करके तब फीड कराएं। और आप अपने लैप में 2 या 3 तकिया रख लें, जितना भी आपको हाइट की जरूरत हो बेबी को फीड कराने के लिए, तब आप अपने बेबी को फीड कराएं। और जो कि मैंने एक और बात बोली थी इससे पहले कि आपको अपने बेबी को निप्पल ही सिर्फ नहीं देना, निप्पल के साथ साथ निप्पल का जो आसपास वाला पार्ट है, ब्लैक पार्ट जो हमारे ब्रेस्ट में होता है, उसको प्रॉपर सक कराना है। जब बेबी उसे अच्छे से सक करेगा, प्रॉपर लैचिंग करेगा, तभी फीड अच्छे से आएगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि आपको जरूर से जरूर फॉलो करना। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से दूध का फ्लो नहीं होता है, दूध का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है, अच्छे से खाना खाना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारे हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं तो हमें ऑलरेडी हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। मोस्टली औरतों में होता है ये कि वो भूलती है चीजें। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी के बाद भूलती थी, परेशानियां होती थी, बहुत सी परेशानियां होती है डिलीवरी के बाद। तो आप उसी में खुश रहें, अच्छे से खाएं पिए, स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि अगर एक बार बेबी बड़ा हो गया तो आपका दूध नहीं लेगा। ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है कि आप अपने बेबी को फीड कराएं, अच्छे से फीड कराएं, उसी में अपनी खुशी ढूंढें। स्ट्रेस फ्री होकर के अच्छे से खाना खाएं, खुश रहें और बेबी को प्रॉपर फीड कराने पर ध्यान दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।